Hi guys, this is Ankara from Genera Study Channel. तो डोंट मग अप ट्राई टू बिल्ड अप रेशनल लॉजिकल स्टडी. मैं बात करूँ तो मेरे Genera Study Channel पर जो नया चैनल है उस पर आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के आपको लेक्चर्स डाले गए हैं जी. आप वहाँ से इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जी. आगे बढ़ते हैं हम लोग इस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के MCQ पे. तो हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के क्या करेंगे जी, MCQ का प्रैक्टिस करेंगे और इससे बहुत सारे सीखने की कोशिश करेंगे. मेरा मानना है कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर जिसका भी कमजोर रहेगा समझिएगा, इस बार सिलेक्शन से बाहर रहेगा. तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं जी. और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ. इससे पहले मैं बता दूँ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का किया है जी, इलेक्ट्रीशियन का किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया है, करेंट अफेयर का किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग लेक्चर बना हुआ है. तो सारे मैंने प्ले लिस्ट अलग अलग बना रखे हैं जी. आप मेरे दोनों चैनल को क्या कीजिए जी, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जी. मैं सब बता देता हूँ जी, मैं सारे सिलेबस कवर कर रखे हैं जी. और मॉक टेस्ट आपका दोनों चल रहा है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी चल रहा है और इधर आपको प्लेटफॉर्म वाली बुक का जो चल रहा है और इधर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चल रहा है जी. इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी लेक्चर डाले जा चुके हैं. तो आपको एक कम्प्लीट पैकेज है जी. और आपको इतनी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप मुझे इतना प्रोत्साहन जरूर करें कि आप मेरे चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ ज़्यादा हाई स्पीड से हो. और मैं सारे लेक्चर्स डाल चुका हूँ जी. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. बोला है पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैटन विल बी देयर इन द इंजीनियरिंग ड्रॉइंग बोर्ड. देखिए बोल रहा है कि इंजीनियरिंग ड्रॉइंग जो बोर्ड जो ड्रॉइंग बोर्ड होता है उसमें कितने तरह के बटन होते हैं. दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है. जो नीचे की तरफ होता है जो ड्रॉइंग बोर्ड में क्या होता है जी, उसको क्या करता है, ड्रॉइंग बोर्ड में जो आपको जो पट्टियाँ लगी रहती है उसको बांधने के लिए होता है, क्या होता है, बटन होता है. तो बटन कितने होते हैं, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है. उसी को बता रहा है जी, जनरेट ड्रॉइंग बोर्ड हैज डायमेंशन, क्या कौन सा डायमेंशन होता है. तो 1000, 1500, 1500, 1000, फिर से कितना होता है जी, 1700 होता है, फिर से कितना होता है जी, 700, 500, 700 होता है, फिर से 500, 350 होता है. ठीक है जी. तो ये आपको ड्राइंग बोर्ड का साइज है जी. इतना याद करने से बढ़िया आप क्या याद कर दीजिए, 1500, 1000, 700, 500, 350 क्या कर दीजिएगा, कम करते जाइएगा. बात की जाए देखिए, तो ड्राइंग बोर्ड के जो ये साइज है, ये जो बड़े वाले साइज हैं, इसमें क्या होता है, इसकी थिकनेस क्या होती है जी, तो 25 mm की होती है. बाकी की क्या होती है, देखिए इसकी थिकनेस कितनी होती है जी, 50 mm की होती है. इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो 25 mm की होती है. जो पतले वाले हैं, जो छोटे साइज वाले हैं, उनकी थिकनेस क्या होती है, 25 हो जाती है. तो आप इसको भी याद कर सकते हैं जी. वहीं बोल रहा है देखिए जी, और वेल्ड सीजन सॉफ्ट वुड रहता है क्या जी, वेल्ड जो क्या रहे टेम्परेचर पे क्या करे, बेंड उड ना करे. इसके अलावा साइज ड्राइंग बोर्ड का क्या होता है, इंक्रीज होता है देन द, जिससे न इंक्रीज हो सके, ना घट सके, ना बढ़ सके. इसलिए क्या होता है जी, उसको एक फैब्रिकेटेड बटन, एक और दो बटन होते हैं जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होता है, उसको क्या कहता है जी, कसे रहता है जी. तो दो तरह के बटन, दो बटन होते हैं. द पार्ट डज नॉट बिलोंग्स टू द टी स्क्वायर. बोला टी स्क्वायर से कौन सा पार्ट नहीं होता जी. तो देखिए टी स्क्वायर में अगर बात की जाए तो क्या होता है, वर्किंग एज होता है जी, स्टॉक होता है, हेड होता है, ब्लेड होता है. आपको हेड और ब्लेड होता है जी. तो हेड ये स्टॉक है, ये ब्लेड है. उसके बाद क्या होता है जी, वर्किंग एज होता है. जो इबोनी है आपको, ये क्या है, हमारे ड्रॉइंग बोर्ड का पार्ट है जी. किसका है जी, तो ड्रॉइंग बोर्ड का पार्ट है. यहाँ पे सब एक्सप्लेनेशन आपको एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है जी, आपके लिए एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं. इबोनी इज द पार्ट ऑफ ड्रॉइंग बोर्ड ऑफ द विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बोलते हैं पढ़ते हैं जी. बोल रहा है एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग द सिंगल सेट स्क्वायर इज. बोल रहा है कि सिंगल सेट स्क्वायर से हम लोग कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं. देखिए जी, तो सेट स्क्वायर में कौन कौन सा एंगल होता है, 45, 45, 90, 30, 60, 90. तो 45 बना सकते हैं जी, 30, 60 और 90 बना ही सकते हैं. अब रहा 75 जो है, 75 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 30 डिग्री और 45 डिग्री चाहिए. तो हमको कितने साइड चाहिए जी, तो दो सेट स्क्वायर चाहिए ना, एक 45 वाला, एक 30 वाला. तो अभी हम 45 बना सकते हैं. तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा जी. यही एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं जी. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एंगल विच कांट मेक यूजिंग बोथ सेट स्क्वायर. बोल रहा है कौन सा ऐसा एंगल है, कांट मेक यूजिंग सिंगल सेट स्क्वायर. अच्छा, बोल रहा है कौन सा एंगल है विच कांट बी मेड यूजिंग बोथ सेट स्क्वायर. बोल रहा है दोनों सेट स्क्वायर को मिलाने से भी कौन सा एंगल नहीं बनेगा. देखिए जी, 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करेंगे जी, 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, पहले 45 डिग्री का बना लेंगे
और क्या करेंगे, 30 डिग्री का बना लेंगे और उस दोनों को क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, 15 डिग्री का मिल जाएगा ना जी। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि 15 डिग्री का एंगल मिल गया। चलिए जी, उसके बाद है लाइक वाइज फॉर, और चलिए 105 डिग्री का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 60 डिग्री और 45 डिग्री का मिलाएंगे जिससे सेट स्क्वायर बन जाएगा, 60 + 45 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। चलिए जी, लेकिन जब 15 डिग्री बना सकते हैं तो 180 में से 15 घटा लेंगे तो 165 बन जाएगा जी, तो ये 165 भी बना सकते हैं। लेकिन हमको अगर 125 का बनाना है तो क्या चाहिए हमको, एक तो 90 ले सकते हैं और 35, तो 35 डिग्री का तो कोई उसमें एंगल होता नहीं है, तो इसलिए हम 125 नहीं बना सकते हैं जी, ठीक है ना, 2 से भी नहीं बना पाएंगे, 3 से भी नहीं बना पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोलते हैं ए स्मॉल बो कंपास ड्रॉ सर्कल लेस देन द, देखिए बात की जाए तो कितने तरह कंपास होते हैं जी, बहुत सारे कंपास होते हैं, स्मॉल बो होता है, एक लार्ज बो होता है, तो लार्ज बो जो बो होता है क्या होता है, 25 mm से ज़्यादा रेडियस वाले सर्कल को ड्रॉ करता है, स्मॉल बो क्या करता है, 25 mm से कम रेडियस वाले को क्या करता है, ड्रॉ करता है जी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं बोला है नॉर्मल स्मॉल बो कंपास इज कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग ए सर्कल लेस देन 25 mm रेडियस, क्या जी 25 mm से लेस को क्या करते हैं बनाने के लिए क्या चाहिए जी, तो स्मॉल कंपास, स्मॉल बो कंपास चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 25 mm। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, विच इज नॉट द यूज ऑफ द डिवाइडर, बोला है डिवाइडर का यूज कौन सा नहीं है, डिवाइडर आप लोग जानते हैं जी, प्रकार जो होता है, प्रकार में जिसमें पेंसिल नहीं लगा होता है वो वाली प्रकार की बात कर रहे हैं, जो सीधे वाली पेंसिल, लंगड़ी प्रकार भी होता है, एक प्रकार भी होता है, लंगड़ी वाले की बात नहीं कर रहे हैं जी, सीधे वाले की बात करें, तो सीधे वाला क्या होता है, देखिए उसमें क्या किया जाता है, इस सेट ऑफ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल, ठीक है, और स्केल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि डिस्टेंस है, उसको क्या करते हैं जी, उसको सेट करते हैं, इसको तो काम करते हैं, ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट टू, हाँ ट्रांसफर तो करते हैं जी, एक बार डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, उसी डायमेंशन क्या करते हैं, दूसरी जगह क्या करते हैं, उस टाइम उतना ही बना लेते हैं, तो ट्रांसफर तो करते हैं, टू ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ सर्कल, फिर से डिवाइड कर्व और स्ट्रेट लाइन इन टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, हाँ इसको तो डिवाइड कर सकते हैं जी, तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल इसलिए ड्रॉ नहीं कर सकते जी क्योंकि उसमें पेंसिल ही नहीं होता, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे लोग, उस मार्किंग जरूर कर सकते हैं सर्कल का, लेकिन ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर कट है, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन सही से भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ जी, कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन ए सेट ऑफ डिस्टेंसेस के, जो कार्डबोर्ड होता है आपको कितने सेट होते हैं जी, तो 8 होते हैं, कितने होते हैं उसके, 8 होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन द सेट ऑफ 8 स्केल्स, दे आर डिजाइन टू मेड, देखिए कार्डबोर्ड जो होता है M1 से लेकर M तक होता है जी, इसका स्केल का साइज रेश देख सकते हैं यहाँ पे, एक 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 गुना होता है पहले, फिर से 2.5 गुना होता है, फिर से 10 गुना होता है, 20 गुना होता है, 50 गुना होता है, 200 गुना होता है, 300 गुना होता है, 400 गुना, 1000 गुना, देखिए 8 क्या है जी, कार्डबोर्ड कितने तरह का, M1 से M8 होता है, तो 8 तरह के कार्डबोर्ड होते हैं, तो सेट ऑफ स्केल्स कितने होते हैं जी, 8 तरह के होते हैं, तो यही स्केल का रेशियो दिखाया है, तो अभी रेशियो का स्केल याद मत कीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि 8 तरह के होते हैं जो स्केल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, डैश डैश यूज टू ड्रॉ द कर्व विच इज नॉट सर्कुलर, बोला है कि कौन सा जो कर्व ड्रॉ करेगा जो सर्कल नहीं होगा, नॉट ए सर्कुलर कर्व, कंपास सर्कुलर करता है जी, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर भी क्या है सर्कुलर ड्रॉ कर सकता है ना जी, कर्व कर सकता है जी, फ्रेंच कर्व सर्कुलर नहीं करता जी, फ्रेंच क्या करता है केवल कर्व जो होता है, जो भी कर्व होता है उसको ड्रॉ करता है, लेकिन वो सर्कुलर कर्व नहीं ड्रॉ करता है। प्रो सर्कल, प्रो सर्कल आपको सर्कल नाम से ही पता चला कि प्रो सर्कल क्या है, सपोर्ट करे जो प्रो को, प्रोनाउन क्या होता है नाम को सपोर्ट करता है, प्रो सर्कल मतलब सर्कल को जो सपोर्ट करे, तो फ्रेंच कर्व है जो क्या करता है कर्व लाइन ड्रॉ करता है लेकिन सर्कल नहीं ड्रॉ करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा इसका, फ्रेंच कर्व जो है नॉट ड्रॉ द कर्व विच आर नॉट सर्कुलर, जो सर्कुलर नहीं होता है उसको ये नहीं ड्रॉ करता है जी फ्रेंच का, ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मुझे बात लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जी, एरिया ऑफ टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्रॉइंग सीट आर इन रेशियो, देखिए एरिया क्या होता है जी उनका, तो 1:2 के रेशियो में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि देखिए जो भी ड्रॉइंग सीट होता है A0 से लेकर 5, तो A0 से A1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज हाफ हो जाएगा जी, एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा, साइज हाफ नहीं होगा, एरिया हाफ होगा, फिर से A1 से A2 जाएगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, ऐसे ही एरिया क्या होता है जी घटते जाता है, A0 से A5 तक क्या होता है जी एरिया घटते जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं जी और आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिएगा रेशियो 2:1 भी हो सकता है, 1:2 होता है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके हिसाब से पूछ सकता है जी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, द साइज ऑफ A0 से A5, देखिए इसका मैं बता देना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले आप जाइए मेरे नए वाले चैनल जो जीनियर स्टडीज चैनल है वहाँ पर सारे इसके
वीडियो डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ आप यहाँ से समझिएगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इससे मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले जाइए, पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप लेक्चर देखिए, उसके बाद इस सेट को लगाइए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जी। नहीं तो आपको ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा और एग्जाम में जाकर आप कन्फ्यूज भी कीजिएगा। तो पहले जाइए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आप ट्राई कीजिएगा देखने के लिए। चलिए, साइज फ्रॉम A0 टू A5 इंक्रीज जी बोला है। साइज जब A0 से A5 आते हैं तो इंक्रीज होता है जी। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। देखिए, A0 सबसे मैक्सिमम साइज होता है जी, और उसका एरिया क्या होता है तो 1 मीटर होता है। A0 का एरिया क्या होता है जी? 1 मीटर होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इफ उसके बाद A1 A2 A3 जाते हैं तो क्या होता है, एरिया हाफ होते जाता है, यानी एरिया क्या होता है, घटते जाता है जी। तो घटते जाता है तो इंक्रीज है बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ A5 A2 A3 का साइज दिया हुआ है, लेकिन A0 का एरिया क्या होता है जी? 1 होता है। तो अगले बार पूछ लेगा कि A1 का साइज एरिया क्या होता है, तो क्या होता है जी, जब A0 का 1 है तो हर समय एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। तो A1 का एरिया क्या हो जाएगा जी? A1 का एरिया हाफ हो जाएगा। A2 का एरिया क्या हो जाएगा जी? 1/4 हो जाएगा। A3 का एरिया क्या हो जाएगा जी? 1/8 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा। 1/32 हो जाएगा। तो इस तरह एरिया क्या हो रहा है, घटते जा रहा है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, द इंक्रीज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ द लेटर H, 2H, 3H and 4H। तो हार्डनेस क्या होता है, H से 2H के 3H से जाते हैं। देखिए, सबसे हार्डेस्ट अगर कोई पेंसिल है तो कौन से है जी, तो 9H है। तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ H, 2H, 3H, 4H, जब जाएंगे 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, तो क्या है, हार्डनेस बढ़ रही है जी। ठीक है ना जी, तो ये सब क्या हो रहा है, हार्डनेस बढ़ रहा है जी। तो हार्डनेस बढ़ रहा है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है जी। हार्डनेस क्या होगा, H, 2H, 3H, 4H की तरफ जाएंगे तो हार्डनेस क्या होगा, बढ़ेगा। और एच भी देखिए, एच बी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एच का मतलब हार्ड, बी का मतलब ब्लैक। जो पेंसिल होता है क्लियोलाइट से बनता है जी, किससे बनता है जी, ग्रेफाइट से या क्लियोलाइट से बना होता है। अगर मान लीजिए ग्रेफाइट मिलाएंगे तो क्या होगा जी, हार्डनेस बढ़ेगा, और क्लियोलाइट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, डार्कनेस बढ़ेगा, यानी ब्लैकनेस बढ़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर सबसे पूछा जाएगा सबसे हार्डेस्ट पेंसिल कौन है, तो 9H है जी। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा है, यानी डार्क पेंसिल कौन है, तो क्या है, 7B है। ये सब क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको याद रखिएगा जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि इससे पहले आप पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप जाइए वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट साइज ऑफ इतने MM ड्रॉइंग शीट। ठीक है, ये साइज है, नेक्स्ट साइज पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है जी, इससे बड़ा साइज पूछ रहा है जी। तो इससे बड़ा साइज क्या हो जाएगा, 210 का दूना कीजिए तो ये हो गया, और ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, उसको डबल कर दीजिए, और ये तो सेम रह जाएगा ना, तो आंसर बी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट साइज, यानी बड़ा साइज क्या होगा जी इसे। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं जी, ये साइज जो है अब दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये साइज किसका है जी, तो A4 का साइज है। A3 का साइज पूछ रहा है, तो A3 का साइज क्या करेंगे जी, इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। जैसे छोटा वाला क्या था, 210 था, तो उसका डबल करके क्या कर दिए, 420 कर दिए, और ये बड़ा वाला अपने आप वहीं रह जाएगा साइज। तो हमेशा साइज क्या होता है जी, डबल होता है। क्या होता है, साइज एरिया तो डबल होता है, तो एक लेंथ क्या होता है, डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा जी। एक क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई वहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा ना। तो एरिया क्या होता है, बढ़ता रहता है जी, किधर की तरफ बढ़ता रहता है, A2 से जब A1 की तरफ आएंगे तो एरिया बढ़ेगा जी। यानी सबसे बड़ा साइज कौन होता है, A0 होता है, उसके बाद A1 होता है, उसके बाद A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ऐसे होता है। A4 साइज आपने देखा भी होगा पेपर शीट, बहुत जगह जो हम लोग क्या करते हैं, जेरॉक्स कराते हैं, वो A4 शीट पे ही कराते हैं। ग्रिड बिकम डैश अकॉर्डिंग द फिगर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेटर, बोला है B2, B3, B4, B, एक सब क्या है जी, इससे बढ़ने से क्या होगा, डार्कनेस बढ़ेगा ना, तो डार्कनेस बढ़ेगा कि सॉफ्टनेस बढ़ेगा। सबसे सॉफ्ट पेंसिल बोला जाए, देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर इन फ्रंट ऑफ द लेटर इतना इज हार्डर, सॉफ्टर होता है जी। बात की तरह सॉफ्ट तो होता है जी, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सबसे सॉफ्ट पेंसिल क्या है जी, 7B है, तो सॉफ्टर तो होता जाता है, और डार्कनेस भी साथ साथ में होता जाता है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा जी, इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन बनाया है सही नहीं बना हुआ है, तो सही क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी से 7B की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डार्कनेस भी बढ़ेगा और सॉफ्टनेस भी बढ़ेगा जी। सो सॉफ्टर डार्कर भी हो जाएगा, सॉफ्टर भी आएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। इंक्रीज द हार्डनेस इज शोन इन द वैल्यू फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ द एज, अगर एस से 2H, 3H के जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ेगा। सिमिलरली ग्रेड बिकम अकॉर्डिंग टू फिगर प्लेस
फ्रंट ऑफ द लेटर बी टू बी थ्री बी फोर बी, तो इससे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉफ्टनेस क्या होगी जी, बढ़ती जाएगी, क्या बोल जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी और डार्कनेस भी बढ़ेगी। बी का मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है, इसका मतलब क्या होता है जी, हार्ड होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन सीखे जी, क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए जी तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, ताकि जो मेरा वीडियो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे। देखिए समय मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा शेयर नॉलेज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा जी। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ।